अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी एक यूनिक सी रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ठीक है जी, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, बड़ी यूनिक है। ये आपने अभी कहीं भी नहीं देखी होगी और नहीं कभी ये ट्राई की होगी। ये आपके बकरीद पे भी काम आएगी। ठीक है, तो अभी मैं आप बना रही हूँ आज धुआं गोश। ठीक है, धुआं गोश के लिए आप चिकन ले लो या आप मटन ले लो या बीफ ले लो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने बीफ लिया है। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए, ये जो मैंने बीफ लिया है ना, इसमें सब ये बोनलेस इसमें ज़्यादा है, लेकिन ये बोन के साथ भी आप बना सकते हैं। इसके ऑप्शन होते हैं कि आपने बोन वाला बनाना है या फिर बोन के बगैर। आपने बोन वाला, मैंने जो है थोड़ी बोन जो इसके साथ बच रही थी वो भी इसमें डाल दिया, बोन भी डाल दिया, और ज़्यादातर जो है वो बोनलेस है। ठीक है, बोन बहुत कम है, बस बोनलेस। ठीक है, ये हो गया मेरा 1 kg ऑलमोस्ट है। जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया। अच्छा, क्या क्या चीज़ें इसमें जानी है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, और कब कब जाएंगी ये तो आपको पता ही चल जाएगा। ये पुदीना है यानी मिंट, ग्रीन चिली हरी मिर्चें, और ये अनियन है, इसको मैं किस तरह से कट करूँगी, लेमन, ये कब जाएंगी सारी चीज़ें ये भी मैं बताऊँगी। ठीक है जी, अच्छा जी, और इसमें दही है, तो दही का कब इस्तेमाल होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, अब इसमें जो है इलायची पाउडर है, ये ऑलमोस्ट मैंने 10 इलायचियाँ ली थी और उसको जो है ना मैंने जिसमें गरम मसाला को ग्राइंड किया जाता है उसमें पीस लिया, तो ये इस तरह से पाउडर बनेगा। ये कब जाएगी ये भी आप ही के सामने सारा मैं बताऊंगी। अच्छा, अनियन मैंने क्या किया था, अनियन एक बड़ी बिग साइज की अनियन थी जो कि मैंने इसको स्टीम कर लिया था, स्टीम करने के बाद उसको ग्राइंड किया था, डायरेक्ट नहीं ग्राइंड किया था वरना वो एक स्मेल आती है अनियन की, तो ये अनियन जो है वो ग्राइंड हो गए। धनिया पाउडर जाएगा, रेड चिली पाउडर जाएगा। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर जो बड़ी ज़बरदस्त मसाला जाने वाला है उसको कहते हैं धुआं गोश मसाला का। मैंने बनाया है घर पे, ये आप भी उसको ट्राई कीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त मसाला है। इसमें मैंने डाला था ज़ीरा पाउडर, ठीक है, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, कौन सा, कश्मीरी वाला, ठीक है, चाट मसाला, ठीक है, चाट मसाला, और वो हमारे पास जो राई होती है ना उसको पीस लिया था, और खटाई पाउडर। देखें, खटाई पाउडर हो गया, रेड चिली पाउडर हो गया, जीरा पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, और राई का पाउडर हो गया। ये सारी चीज़ों को मैंने मिक्स किया, मिक्स करके एक बॉटल में मैंने जार में रख लिया। ये कब यूज़ होगा वो मैं अभी बताती हूँ। अच्छा, बहुत आसान है इसको बहुत बनाना। आपने झटपट क्या करना है, इसको कुछ भी आपने ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना। मैं इसको डाल रही हूँ बीफ, ये सारा देखें, बीफ रखने का मैंने तरीका देखें, एक ट्रे मैंने रखी है ताकि आपका जो भी गोश्त का वाटर रिलीज होगा वो आपके जब आप कुकिंग करेंगे उसमें नहीं जाएगा, वो नीचे जा रहा है इस ट्रे में, इसीलिए मैंने रखा है। अब मैं जिसमें कुक करूँगी उसके अंदर मैंने ये बीफ डाल दिया है सारा, बोनलेस इसमें ज़्यादा है, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि बोन का पसंद नहीं करते बच्चे। ठीक है जी, अच्छा अब इसमें जो है वो, अच्छा मैंने आपको बताया ना कि मैंने जो है वो आपके सामने पूरा एक गोश्त को नेट में रखा था बीफ को, और वाटर इसका रिलीज हो रहा था एक ट्रे में, उसको मैंने फेंक दिया पानी को। ठीक है जी, अच्छा अब इसी में मैं कुक करूँगी, तो इसमें सारा मैंने कोई ऑयल नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, मैंने एक पॉट ले लिया है, इसके अंदर सिर्फ अभी मैंने क्या डाला है, बीफ डाला और जो मैंने अनियन को पीसा था वो डाल दिया, राइट, अनियन पीसी भी वो डाल दिया, ठीक है ना। अच्छा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें डालना है, 1 tablespoon जिंजर है, 1 tablespoon इसमें गार्लिक है, ये पूरा मैं डाल दूंगी। ठीक है, ये डाल। अच्छा जी, अब आपको जो मैंने स्पाइसेस बताए थे, अच्छा जी, इसमें मैंने अनियन डाल दी पिसी हुई, जो आपको बता दिया था किस तरह से मैंने इसका प्रोसेस किया था अनियन का। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 tablespoon डाल दिया। अच्छा, धनिया पाउडर इसमें मैंने डालना है ऑलमोस्ट 2 tablespoon, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर चला गया और सॉल्ट चला गया 1 tablespoon, ठीक है, 1 tablespoon, बाकी मैं आपको कम लगेगा तो आप अपनी मर्जी से डाल लीजिएगा। अच्छा, वो मसाला जो कि मैंने आपको बताया था, ज़ीरा पाउडर, साबित धनिया का पाउडर और रेड चिली जो कश्मीरी होती है वो, राई का पाउडर, और इसके अंदर जो है वो खटाई पाउडर, सारी चीज़ों को मैंने एक जगह गैदर किया और ये मेरा मसाला धुआं गोश मसाला बन गया। ठीक है जी, अच्छा जी, ये मैं ले रही हूँ ऑलमोस्ट 4 tablespoon इसमें जाएगा, ये वैसे मैंने मेजरमेंट करके रखा था लेकिन मैं फिर भी आपको, आपके सामने इसको
अच्छा जी, अब क्या करने लगी हूँ मैं, इसको मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद इसको जो है वो एक कप पानी डाल के लो फ्लेम पे ये पकेगा। एक कप पानी डाल के लो फ्लेम पे पकेगा। जब ये लो फ्लेम पे पकेगा पूरा ये टेंडर हो जाएगा। उसके बाद क्या करूंगी वो मैं आपको बताऊंगी। बीफ देखिए ये गल गया था, मैंने आपके सामने सारी चीज़ों को ऐड की थी, ठीक है। बट उसी तरह से इसमें बस मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, ठीक है। अच्छा, अब जो इसमें इलायची पाउडर मैंने आपको बताया था ना पीस के रखा हुआ था, आपको इलायची भी बता दी थी कि 8 या 9 इलायची, ठीक है। बस ये इलायची पाउडर हम डालेंगे और क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं वो मैं आपको बताऊँगी। इस पर लेयर होती है, ठीक है ना, इसमें लेयर होती है। इसको मिक्स किया क्योंकि अभी ये 3-4 मिनट दम पे भी जाए, बस 3-4 मिनट जाने इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब ये क्या कर रही हूँ मैं, इसमें से हाफ करूँगी, ठीक है। हाफ इसमें ले लिया मैंने क्योंकि लेयर मैंने आप ही के सामने लगानी है, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह मैंने जो है वो लेयर लगाई है, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने बताया था ना कि अनियन जानी है, पूरा एक प्लेटर मैंने शुरू में बताया था, अनियन जानी है, ग्रीन चिली और ये पुदीना जाना है। इसमें सारी चीज़ों को मैंने मिक्स किया, पुदीने के अंदर ग्रीन चिली, अनियन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चली गई। अच्छा, अब क्या कर रही हूँ मैं ये भी बताती हूँ कि देख, ये मैंने इस तरह से ये। अच्छा, ये ले लिया मैंने, सारी चीज़ें इसमें मिक्स की, ठीक है, ये देखें, ये थोड़ा सा इसमें अनियन रखा, पुदीना रखा, ठीक है। आपने इसमें दही, ऐसे दही आपने रखा, ठीक है। इलायची पाउडर मैंने पहले ही डाल दिया, थोड़ा सा लेमन जूस, ये दही रखा। अब दोबारा से आपने जो है इसमें बीफ रखा, एक लेयर हमने दे दी, दूसरी लेयर ये दूसरी, अभी ये बीफ की एक और लेयर, फिर लास्ट में हमारा बीफ चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए दोबारा हमने एक लेयर ली, ठीक है। अब इसमें दही की, दही की लेयर है, ठीक है, ये लेमन जूस है, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर ये एक जो बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है, जो बचा हुआ है ये मैंने डाल दिया। अच्छा जी, अब ये टॉप पे मैंने इस पर बटर रखा, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे मैं दूंगी कोयले, कोयले का मैंने इसमें धुआं देना है, तो ठीक है, धुआं मटन है ये, धुआं गोश है ये, तो इसमें जो है वो ज़रूर जाएगा, सही से जाना है। अच्छा, इसको करने के बाद जो है वो मैं 3 मिनट बस इसको लो फ्लेम पे दम पे रख रही हूँ, 3 या 4 मिनट, ठीक है, 3 या 4 मिनट इसको लो फ्लेम पे रख रही हूँ, ठीक है। लो फ्लेम पे रखने के बाद बस इसका जो है वो सारा, अच्छा ये इसलिए मैंने बटर रखा कि ये बहुत लाइट 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 होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये दम पे जा रहा है, दम पे जाने के बाद मैं फिर आपको बताती हूँ उसकी क्या कंडीशन। ये प्लेटर रेडी कर दिया मैंने, आपके सामने सारी चीज़ें डाल के इसमें दम दिया था, ये बटर मैंने डाला, ठीक है। अच्छा, ये अनियन के रिंग्स डाल दिए और इसी तरह लेयर के साथ इस तरह से ही निकालना है पूरा, ठीक है। और जो मसाला मैंने रेडी किया था वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया इसमें, ठीक है, जो आपको बताया था ना जो मसाला, बस वो स्प्रिंकल किया है, ठीक है, वो कर दिया। अच्छा, और थोड़ा सा आपकी सर्विंग अच्छी होनी चाहिए, भूख लग जाती है, बंदा बोल भी रहा है ना नहीं हमें भूख नहीं लग रही, नहीं लग रही, लेकिन वो टेबल को देख के और आपके दस्तरखान को देख के, ये दही है, मैं थोड़ा सा इसमें दही डाल रही हूँ क्योंकि इसमें दही की लेयर लगी है जो आपने देखी थी, ठीक है। बस ये आपका ज़बरदस्त सा प्लेटर रेडी हो गया, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी एक रेसिपी मिली है धुआं गोश्त, ठीक है, इसको ट्राई कीजिए रोटी के साथ, राइस के साथ, अप टू यू। तो फिर इंशाल्लाह अच्छी सी वीडियो के साथ फिर आती हूँ, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंजॉय द वीडियो।